दिवालियापन की कगार पर पहुंच गई एडिटेक फर्म बायजूस को राहत मिलती हुई नजर आ रही है और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी कंपनी को करारा झटका दिया है। अदालत ने बुधवार को बायजूस को लेकर नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के बायजूस रविंद्रन के नेतृत्व वाली कंपनी के खिलाफ दिवालियापन की कार्यवाही को बंद करने के आदेश को खारिज कर दिया। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ ने यह निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने एनसीएलटी के उस आदेश को भी पलट दिया है जिसमें बायजूस को बीसीसीआई के साथ 158.9 करोड़ रुपए के बकाया के निपटान की मंजूरी दी गई थी। बता दें कि बायजूस के लोगों को आपने टीम इंडिया की जर्सी पर लंबे समय तक देखा होगा। इससे पहले टीम इंडिया की जर्सी पर ओप्पो का लोगो भी दिखता था जिसकी जगह साल 2019 में बायजूस ने ले ली थी। बीसीसीआई के साथ बायजूस का करार मार्च 2023 में खत्म हो गया था। अदालत ने बुधवार को एनसीएलएटी के आदेश के खिलाफ अमेरिकी कंपनी ग्लास ट्रस्ट कंपनी LLC की याचिका पर अपना यह फैसला सुनाया। आदेश में कहा गया है कि क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को 158.9 करोड़ रुपए की निपटान राशि लेनदारों की समिति के पास जमा करने का निर्देश दिया है। पीठ ने कहा कि एक अलग एस्क्रो खाते में रखी गई निपटान राशि को लेनदारों की समिति के एस्क्रो खाते में जमा करना होगा। गौरतलब है कि बीते अगस्त महीने में एनसीएलटी ने बीसीसीआई के साथ 158.9 करोड़ रुपए के बकाया निपटान को मंजूरी देने के बाद बायजूस के खिलाफ दिवाला कार्यवाही को बंद करने का आदेश दिया था, लेकिन यह राहत ज्यादा देर तक काम नहीं कर पाई। सकी एटेक कंपनी बायजूस की वैल्यू साल 2022 तक $22 अरब थी जो अब शून्य हो चुकी है। बायजूस फाउंड बायजू रविंद्रन ने खुद बीते दिनों एक वर्चुअल प्रेस वार्ता के दौरान इसकी जानकारी दी थी। उन्होंने कहा था कि निवेशकों के जाने के बाद कंपनी के पास पैसे खत्म हो गए और धीरे धीरे करके कंपनी पूरी तरह से बर्बाद हो गई।